हेलो डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है गुंजन शर्मा फ्रॉम कोटा रेजिनेंस आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो कि हम पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो कि सी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्या लेवल होता है क्वेश्चन का किस बुक से क्वेश्चन आते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो हमने आज फिर से एक यूनिट ली है उसको वन शॉट में एक यूनिट कम्प्लीट करेंगे दैट इज जेनेटिक्स एंड डिवोल्यूशन क्लियर है इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम उन टॉपिक्स को भी देखेंगे जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड है मतलब एक क्वेश्चन में वन और टू और मोर देन टू टॉपिक भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्लियर है तो आइए क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर इन मैंडलियन क्रॉसेज आर कॉल्ड जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर्स था मैंडलियन मेंडेलियन फैक्टर्स में मेंडेलियन क्रॉस में तो उस आ, उस कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को या उस कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर के पेयर को क्या बोलेंगे यहाँ पे ये बता रहा है देखिए इस क्वेश्चन का आ, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जीन्स की बात कर रहा है और आप लोग वेल नोन है जीन्स से क्लियर है अगर हम बात करें मान लीजिए क्रोमोसोम है यहाँ पे जीन प्रेजेंट है ए ये है स्मॉल ए इधर प्रेजेंट है वी इधर है स्मॉल बी क्लियर है तो हम सिर्फ इसको बोल रहे हैं बेटा जीन क्या बोल रहे हैं जीन लेकिन जीन की अल्टरनेट जो जीन है मतलब यहां पर जो अल्टरनेट जीन प्रेजेंट है तो इस पूरे पेयर को क्या बोलेंगे एलिल इनको बोलेंगे बेटा एलिल्स तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन अगर हम बात करें एलिल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी एलेल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन ल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन एम आई क्लियर एक क्वेश्चन क्लियर होता है तो so, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलिल्स क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द रेसियो ऑफ हीनो टाइप्स देखिए अगर हम बात करें रेसियो की अगर हम बात करते हैं रेशियो की हम बहुत बेसिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन सीईवीटी में पूछे जाते हैं रेशियो की बात करें तो ये दो टाइप के रेशियो हम पढ़ते थे फिनोटाइप फिनोटाइप एंड सेकेंड था बेटा जीनो टाइप जीनोटाइप जीनो टाइप क्लियर है तो फिनोटाइप में पढ़ते थे किसी भी जो करेक्टर्स आ रहे हैं जो ट्रेट आ रहे हैं उनका फिजिकल अपेयरेंस क्या है उसमें हम फिनोटाइप बोलते हैं और अगर जीनो टाइप उसका जीन कॉम्बिनेशन क्या है जीन का कॉम्बिनेशन क्या है ये जीनो टाइप में हम डिस्कस करते हैं इन एफ टू ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आपने क्रॉस पढ़े थे तो दो टाइप के क्रॉस पढ़े थे फर्स्ट था मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें सिंगल पेयर या सिंगल पेयर ट्रेड की हम स्टडी uh, करते थे एंड डाई हाइब्रिड की बात करते हैं डाई हाइब्रिड की बात करते हैं बच्चों तो डाई हाइब्रिड या फिर मोनो डाई हाइब्रिड में टू पेयर ऑफ करेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते थे जिसमें आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट पढ़ते हैं क्लियर है तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया था मान लीजिए हम यहाँ पर हाइब्रिड क्रॉस में ले ले रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ये वन पेयर ऑफ करेक्टर ले रहे हैं और इसको क्रॉस कराएंगे तो जब हम एफ वन जनरेशन देखेंगे जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन तो जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो यहां पर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एम आई क्लियर जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा लेकिन ये है बेटा एफ वन जनरेशन में अगर इसी की एफ टू जनरेशन देखेंगे F2 टू जनरेशन देखेंगे तो इनमें से कोई दो पेयर्स को हम निकालते हैं वन पेयर को निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड बाय कैपिटल स्मॉल अब देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे कोई भी लेटर्स ले सकते हैं जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो यहां पर आएगा बेटा कैपिटल R कैपिटल R फिर से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल R स्मॉल आर फिर से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और एंड में आएगा small r, small r. F2 जनरेशन में कुछ ये रेशियो आएगा क्लियर है तो आपने पढ़ा होगा डोमिनेंट और रिसेसिव डोमिनेंट और रिसेसिव जीन पढ़ा होगा तो डोमिनेंट जीन जहां प्रेजेंट होगी वहां पर रिसेसिव करेक्टर अपियर नहीं होगा तो यहां पर डोमिनेंट प्रेजेंट है यहां पर डोमिनेंट प्रेजेंट है यहां पर डोमिनेंट प्रेजेंट है क्लियर है तो ये तीनों जो हैं डोमिनेंट करेक्टर शो करेंगे और ये वन है जो रिसेसिव करेक्टर शो करेगा क्लियर है डोंट कंफ्यूज विथ इनकम्लीट डोमिनेंस जिसमें क्या हो रहा था रेड फ्लावर था और एक पिंक था वाइट था जिसमें सारे कैसे आ रहे थे पिंक आ रहे थे क्लियर है मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा था उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाउ तो ये थ्री रिस्टू वन यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा क्योंकि हमसे फिनो टाइप रेशियो पूछ रहा है तो थ्री रिस्टू वन हो जाएगा लेकिन यहीं पर अगर जीनो टाइप रेशियो पूछेगा तो क्या हो जाएगा वन रिस्टू टू रिस्ट टू वन तो वन रेशियो टू रेशियो वन ये इसका जीनो टाइप रेशियो हो जाएगा थ्री रेशियो वन इज द फिनो टाइप रेशियो तो आंसर इज क्योंकि हमसे फिनो टाइप पूछा जा रहा है और यहाँ पर हो जाएगा थ्री वन क्लियर है तो सीई में इसी तरह के क्वेश्चन अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस से पूछे जा सकते हैं तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे हाई लेवल कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सीई टी एन बेस्ड पेपर है लिंकेज रिड्यूसेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ लिंकेज ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें लिंकेज के बारे में डिस्कस कर रहा है क्लियर है लिंकेज आपने दो टर्म पढ़े थे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आपने दो टर्म पढ़े थे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्लियर है लिंक का मतलब क्या होता है हम सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं जैसे हम लोग पर्सनली तो, हम लोग यूज करते हैं इस टर्म को लिंक क्लियर है तो मेरा उस पर्सन से लिंक बहुत अच्छा है है ना या मेरा वहां से ये लिंक बहुत अच्छा है मतलब क्लोजनेस बहुत अच्छी है कि मैं अपनी आ, कोई भी बात वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या कोई भी चीज़ वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ क्योंकि हमारा लिंक बहुत अच्छा है क्लियर है तो वही टर्म कुछ यहाँ पर लिया गया है मान लीजिए ये क्रोमोसोम है इस पर जीन प्रेजेंट है ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी और यहाँ पर डी क्लियर है तो आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर जो जीन प्रेजन 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 ए जीन प्रेजेंट है इसका लिंक सबसे बेटर कहाँ होगा जो इसके नियरेस्ट होगा क्लियर है जो इसके नियरेस्ट होगा तो इनको हम बोलते हैं बेटा लिंक्ड जीन मतलब इनकी डिस्टेंस कैसी होगी बहुत कम होगी उनके बीच की डिस्टेंस को जो होगी वो बहुत कम होगी क्लियर है तो यहां पर इसको हम बोल सकते हैं लिंकेज अब लिंकेज में आप पढ़ोगे पेरेंटल टाइप पेरेंटल टाइप मान लीजिए किसी फंक्शन में जाना है और ये दो सहेलियां हैं ठीक है ये दो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड है तो किसी फंक्शन में जाना है तो आपको ये दोनों साथ में दिखेंगी आपको ये दोनों साथ में दिखेंगी चाहे आप कहीं भी देखना है ये दोनों साथ में दिखेंगी क्योंकि क्लोज फ्रेंड है इनका लिंक बहुत अच्छा है क्लियर है तो जब भी इनका डिवीजन होगा जब भी सेल डिवीजन होगा तो जो ये जीन है वो क्या होंगी साथ में ही जाएंगे क्योंकि ये लिंक्ड जीन है मतलब इनमें कोई म्यूटेशन नहीं होगा म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि ये पेरेंटल टाइप ही जाएंगी मतलब ये क्रोमोसोम में जो करेक्टर था जहां पर लिंक्ड जीन प्रेजेंट थी वही दूसरे क्रोमोसोम में या दूसरी जनरेशन में जाएंगे इनमें कोई चेंज नहीं आएगा कोई चेंज नहीं आएगा तो मतलब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिंकेज इज नॉट गुड क्लियर है तो लिंकेज आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिकॉम्बिनेशन क्या होगा अगर हम बात करें ए और बी के बीच में लिंकेज होगा या रिकॉम्बिनेशन तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज अगर ए और डी के बीच में क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन जो कि नॉन पेरेंटल टाइप होगा यहां पे हो जाएगा ये बेटा नॉन पेरेंटल टाइप क्लियर है तो इसका आंसर जो हो जाएगा लिंकेज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देगा देखिए हाइब्रिड ऑल पेरेंटल टाइप्स देखिए यहाँ पर पेर, जैसे कि बताया पेरेंटल टाइप्स तो आने वाले हैं क्योंकि ये दोनों सहेलियां जहाँ भी जाएंगी साथ में जाएंगी मतलब जैसी थी वो वैसी ही रहेंगी क्लियर है तो ये तो सही हो जाता है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स हट्रोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स मतलब जो पेरेंट्स होंगे वही क्योंकि पेरेंटल टाइप ट्रांसफर होगा तो इसका आंसर हो जाता है हाइब्रिड यहाँ पर हाइब्रिड बनने की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी क्लियर है हाँ क्वेश्चन नंबर फोर है इन सिकल सेल एनीमिया सेप ऑफ आरबीसी अंडर ऑक्सीजन टेंशन विकम्स सिकल सेल एनीमिया के बारे में अगर कुछ बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा आरबीसी जो ओवल uh, सेप होती है ये है आरबीसी जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कैप्सल्स क्या बोलते हैं इसको रेड ब्लड कैप्सल्स अंडर ऑक्सीजन टेंशन आ जाएगी तो इसकी सेप कुछ कैसी हो जाएगी? सिकल सेप हो जाएगी जाएगी सिकल सिकल क्लियर है कुछ इस तरह की सेप हो जाएगी अभी पूछने जा रहे हैं क्यों होता है ऐसा डिस्क डिस्कलाइक इलांगेटेड एंड कर्व सर्कुलर एंड स्पेरिकल क्लियर है तो इलांगेटेड एंड कर्व इलांगेटेड एंड कर्व यह इसकी हो जाएगी जब ऑक्सीजन टेंशन में कौन आ जाएगी आरबीसी आ जाएगी क्लियर है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ये बात कर रहा है कि एक्स एक्स बाई कंडीशन पर होगी देखिए डाउन सिंड्रोम सीयू के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इन सिंड्रोम में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है

जो हमारा आंसर आता है वो होता है लाइन फिल्टर सिंड्रोम लाइन फिल्टर सिंड्रोम इसके साथ साथ हमें यहाँ पर डाउन सिंड्रोम भी पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम भी पढ़ना है और ब्लीडर डिसीज भी पढ़नी है फिनाइल कीटोन यूरिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फिनाइल कीटोन यूरिया क्लियर है एल्केप्टोन यूरिया एल्केप्टोन यूरिया है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज हैं सिकल सेल एनीमिया एनीमिया सेल दिस इज डिसीज़ इनको आपको पढ़कर जाना है क्योंकि बायोलॉजी में ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से क्लियर है तो इनमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म नेक्स्ट <laughs> है होमोलोगस ऑर्गन सोज देखिए होमोलोगस ऑर्गन ये फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम का चाहे हम बात करें नीट की चाहे आई की बात करें नेस्ट की बात करें या फिर हम सी की बात करें क्लियर है तो होमोलोगस ऑर्गन एनालोगस ऑर्गन एडेप्टंस ये सब क्या है फेमस क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के होमोलोगस ऑर्गन सो क्या सो करता है देखिए होमोलोगस का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं होमो होमोलोगस होमो मीन्स होता है सेम एंड लोगस मीन्स होता है लोकेशन क्लियर है अब सेम लोकेशन मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन क्या है सेम जिनका ओरिजिन कैसा है सेम और इनका फंक्शन है डिफरेंट इनका फंक्शन क्या है डिफरेंट समझ में आ गया तो आप यहां पर देखिए अगर हम बात करें रेज की बात करें तो ये कन्वर्ट हो रही है या डाइवर्ट हो रही है कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है ऑब्वियसली डाइवर्जिंग है तो यहां पर जो इवोल्यूशन होगा वो कैसा होगा डाइवर्जन। क्लियर है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा यहां पर अब इसी की जस्ट अपोजिट बात करें एनालोगस ऑर्गन की एनालोगस ऑर्गन की बात करते हैं तो यहां पर इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा जिनका ओरिजिन होगा डिफरेंट लेकिन फंक्शन हो जाएगा सेम क्लियर है तो इसको हम बोलेंगे एनालोगस और इसका जो इवोल्यूशन अगर बोलें किस टाइप का इवोल्यूशन है तो वो हो जाएगा कन्वर्जिंग इवोल्यूशन। क्लियर है तो आपको ये दोनों टॉपिक्स को पढ़ना है और एन में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं या हमारे सी के कंपेंडियम में जो रेजोनेंस का सी का कंपेंडियम है जो कि टोटली डिवोर्टेड है वो उसके लिए सी के लिए क्लियर है सी में उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है तो uh, इसमें बेटा सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके एग्जाम्पल भी सारे वहाँ पर मिल जाएंगे और वो एग्ज़ाम्पल मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एम आई क्लियर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ये पूछ रहा है द फिंचज ऑफ गेलेपेगोज एज प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ़ जब इवोल्यूशन हुआ था तो इवोल्यूशन की मल्टीपल थ्योरीज आई और उन थ्योरीज में ही बताया गया कि आपने बता दिया ठीक है कि ऑर्गेन लाइफ का ओरिजिन ऐसे हुआ या सेल का ओरिजिन ऐसे हुआ या इस तरह से फॉसिल्स मिले बट उनका एविडेंस क्या है उनका प्रूफ क्या है क्लियर है तो साइंस हमेशा प्रूफ मांगती है तो वैसे ही यहाँ पे फिंचज ऑफ द गेलेपेगोज आइसलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस जो गेलेपेगोज आइसलैंड पर फिंचेज फिंचे मिले थे उन्होंने एक एविडेंस प्रोवाइड किया इन फेवर ऑफ किसके फेवर में तो उन्होंने बायो जियोग्राफिकल एवोल्यूशन किसके फेवर में किया था बेटा बायो जियोग्राफिकल इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने क्या किया था एविडेंस दिया था जो एविडेंस था वो इसके फेवर में था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट जिसमें टेस्मेनियन वॉफ एंड मार्सुपियल वायल के बारे में बात कर रहा है इज अ प्लेसेंटल मेमल्स दिस सोज जो टेस्मेनियन वॉफ है इज अ मार्सुपियल वायल वॉफ इज अ प्लेसेंटल मेमल दिस सोज क्या सो so करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सो करते हैं कन्वर्जेंट क्यों कर रहे हैं क्योंकि इनका ऑरिजिन क्या है ऑरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है सेम है क्लियर है तो इसमें हम बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात कर रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बहुत फेमस क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन हमेशा मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं लैंग्वेज चेंज कर दी जाइए बट कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है uh, बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शनस की तो हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजल इंटरवीडिंग विद इन द पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट लो म्यूटेशन रेट लार्ज पॉपुलेशन साइज रेंडम अगर मतलब रेंडमली अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है किसी पॉपुलेशन में मान लीजिए ये पॉपुलेशन थी ए uh, ये पॉपुलेशन है बी तो यहाँ पर क्या होगा रेंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रही है मतलब कुछ जीन्स हैं वो टोटली totally, uh, यहाँ से uh, खत्म हो गई टोटली जीन चली गई क्लियर है या कुछ जीन्स यहाँ पर जीनोम बोल सकते हैं उसको कुछ जीन्स एंटर कर गए तो हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल तो जो इंडिविजुअल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनमें जेनेटिक डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा और बहुत जल्दी होगा क्लियर है तो जेनेटिक डिफरेंस क्योंकि कंप्लीटली जीन यहाँ से जा रही है या फिर कंप्लीटली जीनोम पर आ रहा है क्लियर है तो यहाँ के जो इंडिविजुअल होंगे इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल होंगे वो कैसे होंगे हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल बहुत ज्यादा वेराइटीज प्रेजेंट होंगी जेनेटिक लेवल पर क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं जो कि ए आर टाइप क्वेश्चन है और जैसा कि हमने सी के पेपर में देखा था प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा था दो का तो उसमें बताया गया था कि क्वेश्चन ए टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जिसमें असरसन और रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बाद एम टी मैच द फॉलोइंग टाइप्स काफी पूछे गए थे और ये इसमें आएंगे क्लियर है तो अगर हम बात करें असरसन की द प्रिमिटिव एटमोस्फियर वाज रिड्यूसिंग वन विदाउट ऑक्सीजन रीजन इन द प्रिटिव एटमोसफियर ऑक्सीजन बाज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन देखिए जो हमारा प्रिविटिव प्रिमेटिव एटमोसफियर था वहाँ पर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लिया था वॉटर का फॉर्मेशन कर लिया था क्लियर है तो फ्री ऑक्सीजन वहाँ पर प्रजेंट नहीं थी और जहाँ पर फ्री ऑक्सीजन नहीं प्रजेंट है वहाँ पर ऑर्गेनिजम सर्वाइव नहीं कर सकते जो कि एरोबिक हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जब भी हम हाई एल्टीट्यूड या किसी पहाड़ी एरिया पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर प्रेशर क्या होता है कम होता है इसकी वजह से क्या होगा ऑक्सीजन की कमी होती है मतलब बहुत कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से नोज़ या वोमिटिंग ये सारी कंडीशंस होने लगती हैं तो ये तो एक अलग एग्जाम्पल था इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपके सी एग्जाम में प्रिमिटिव एटमोसफियर बाज रिड्यूसिंग वन विदाउट ऑक्सीजन ये गलत है इन द प्रिमिटिव एटमोसफियर ऑक्सीजन बस इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग ऑफ ओजोन ओजोन के फॉर्मिंग में नहीं भाई वाटर के फॉर्मिंग में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना लिया था वाटर बना लिया तो इसका आंसर हो जाएगा फोर क्योंकि दोनों ही ऑप्शन गलत है चार रूल आर एप्लीकेबल टू चार ने क्या बताया था प्यूरिन टू पिरामिडिन जब हम चारगा के बारे में डिस्कस करते हैं तो इन्होंने बताया था प्यूरिन इक्व टू पिरािडेंस क्लियर है जितने प्योरिन होंगे उतने ही पेरामिडिन होंगे ये बताया था इन्होंने तो बात करते हैं प्योरस क्या होते हैं साइटोसिन यूरेसिल एंड थाइमिन ये आते हैं बेटा प्योरे प्योरिन में ग्वानिन और एडनिन ग्वानिन एंड एडनिन आते हैं प्योरस में तो इन्होंने बताया जितने ग्वानिन होंगे उतनी ही होंगे जितने एडनीिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे और यूरिसल प्रेजेंट होता है इन द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए। आरएनए में यूरिसल प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थामीन थाइमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है जिससे क्या होगा आरएनए अनस्टेबल हो जाता है और भी मेनी रीजंस हैं अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे सिर्फ हमें बेसिक समझना है कि जो आरएनए का स्टैंड डीएनए के अगर स्टैंड की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें जितने प्योरिन होंगे उतने ही पेरामिडिन होंगे और प्योरिन बाइंड विद ईच अदर कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच में यहां पर प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि डबल हो सकता है और क्लियर है तो आइए जान लेते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है क्योंकि प्योर इक्वल्स टू पिरामिडिन होंगे तो इसको डबल स्टैंडर्ड होना पड़ेगा डीएनए को डबल स्टैंडर्ड होना पड़ेगा तो यहां पर जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सही हो जाएगा मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए चार्गा फ्रूल एप्लीकेबल है नेक्स्ट की बात करते हैं साइंटिस्ट इन डिस्कवरी ऑफ़ ऑफ़ डीएनए केमिकल बेसिस ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बात कर रहा है कि जब भी जब जेनेटिक के जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी हुई थी तो कौन सी कौन से साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे कब उन्होंने बताया कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए एन एज केमिकल बेसिस ऑफ मतलब डीएनए uh, क्या है केमिकल विस्टांस है या जेनेटिक मटेरियल है तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे हर्सी एंड चेस नहीं है इन्होंने तो प्रूव कर दिया था ग्रिफिथ एंड एवरी ग्रिफिथ ने क्या किया था बेटा इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्टेप्टोकोकस निमोनिया पर क्या किया था एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने जिसको माइस में क्या कर दिया था और एक्सपेरिमेंट किस पर किया था माइस पर क्लियर है जिसमें आपने विरुलेंट नॉन विरुलेंट पढ़ा होगा क्लियर है तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था एवरी इनके साथ नहीं थे तीनों का जो कॉम्बिनेशन है एवरी मेकलड एंड मैकाली इन तीनों ने क्या किया था इन्वॉल्व एंड डिस्कवरी ऑफ डी एन एस केमिकल बेसिस ऑफ़ हेरिडिटी तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी मैकलॉय एंड मैकआईटी आपके सी ई टी के पेपर में जो आपकी एन सी आर टी की बुक में जितनी भी साइंटिस्ट के नेम दिए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं उनको लर्न करना है और एक एक को आ, आ, लर्न करना पड़ेगा आपको और ये खुद से सेल्फ पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन सी आर टी एक छोटी बुक आ, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है तो इसके लिए हमें रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है एन की रीडिंग लगा लेना इज़ नॉट द सॉल्यूशन क्लियर है एन की सिर्फ रीडिंग लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि अगर एन को जब हम ओपन करेंगे उसकी थ्योरी को जब हम कंप्लीटली पढ़ेंगे तो एक बहुत मोटी बुक के इक्वल उसकी जो थ्योरी है वो होगी ठीक है तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिनको हम खुद से नहीं समझ सकते हैं Uh, एक और क्वेश्चन है इफ अ डबल स्टैंडर्ड व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इन इट देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि जिसमें टू पिरामिडिन क्लियर है प्यूरिन जितने होंगे उतने ही पिरामिडिन होंगे ये बता रहा है तो प्यूरिन में क्या क्या था ग्वानिन और में क्या है ट्वेंटी परसेंट सी की वैल्यू दे रहा है, C की दे रहा है, क्लियर है? तो बाकी कितना होगा सी की वैल्यू ट्वेंटी परसेंट है तो सी के सामने क्या आएगा बेटा जितनी ये सी होगा उतना ही यहाँ पर जी प्रेजेंट होगा क्लियर है यहां पर जी प्रेजेंट होगा तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट इज द आंसर क्लियर है न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड वाई देखिए दो पार्ट होते हैं आप हमेशा कंफ्यूज भी होते होंगे न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड टाइड और साइड क्या है है ना न्यूक्लोटाइड और न्यूक्लियो साइड यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस है इस डिफरेंस को अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इसको यहाँ पर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोनों में बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन न्यूक्टाइड और न्यूक्लियो में डिफरेंस क्या होता है लेकिन जब भी ये टर्म आएगा तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ठीक है तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा न्यूक्टाइड लिंक किससे होते हैं जो न्यूक्लियो होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं तो बेटा फोस्पोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है जहां पर न्यूक्लियोटाइड किससे होते हैं न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होगा तो यहां पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसको हम क्या बोलेंगे फॉस्पोडर बॉन्ड फॉस्पोडर बॉन्ड एम आई क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे टॉपिक इसमें प्रेजेंट है म्यूटेशन विच एल्टर सिक्वेंस विदिन जीन आर कॉल्ड म्यूटेशन हो रहा है म्यूटेशन क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं वट इज म्यूटेशन म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन क्या है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल वो किसी की भी वजह से हो सकता है चाहे केमिकल की वजह से हो सकता है एक्स रेज की वजह से हो सकता है है ना एक्स रेज की वजह से हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है इसीलिए बोलते हैं छोटे बच्चों को कहा नहीं लेके जाना चाहिए एक्स्ट्रा जहां एक्स्ट्रा रूम होता है जहां पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है एक्सरेज प्रेजेंट होती है वहां पर छोटे बच्चों को नहीं लेके जाया जा सकता और एक्सरेज कराना मतलब अगर हम लोग भी एक्सरेज मल्टीपल टाइम्स और ज्यादा करा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकता है क्योंकि एक्सरेज क्या कर सकती है म्यूटेशन कॉज कर सकती है बिच एल्टाइट सिक्वेंस जीन आर कॉल्ड इसका आंसर देखते हैं तो बेटा यहाँ पे फ्रेम सिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम सिफ्ट म्यूटेशन क्लियर तो इस क्वेश्चन के साथ हमने जाने मल्टीपल टॉपिक्स इन सभी क्वेश्चंस के साथ हमने मल्टीपल टॉपिक्स को यहां पर डिस्कस किया है और ये सभी जो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है आप इन टॉपिक्स को पढ़कर जाए जो कोई टॉपिक्स आपको बताएं जैसे क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन में एक टॉपिक है उसके चार ऑप्शन है उन चार ऑप्शन में भी एक टॉपिक है क्लियर है तो उन सभी जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं उनको आप डिस्कस करके जाए आप पढ़ कर जाएँ तो आपका पेपर हंड्रेड परसेंट इससे सॉल्व होगा इस तरह हम और भी इम्पोर्टेंट सीरीज कंप्लीट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के लिए लाते रहेंगे तब तक के लिए हैव अ नाइस डे थैंक यू सो मच